हम कर रहे हैं बैलेंसिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लेक्चर टू बैलेंसिंग का लगभग क्वेश्चन नंबर एट। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखना है H2S प्लस Fe3 पॉजिटिव विल गिव Fe2 पॉजिटिव प्लस सल्फर। क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है, कभी भी वाटर एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव नहीं लिखने। पुट योर पेन डाउन, मैं सॉल्व कर रहा हूं, सिर्फ देखिए। H2S प्लस Fe3 पॉजिटिव विल गिव Fe2 पॉजिटिव प्लस सल्फर। अब सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है H2S में सल्फर का। सर बताएंगे कैसे करेंगे, 2 × 1 + x = 0, x = -2, सल्फर -2। Fe3 पॉजिटिव सर, x = 3, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिटिया Fe2 पॉजिटिव, x = 2, बिल्कुल करेक्ट है। रवनीत जी सल्फर, x = 0, clear, that's very good। एक चला दीजिए बस। ओके, ये हमने इक्वेशन लिखी। अब फिर से इक्वेशन लिख रहे हैं H2S प्लस Fe3 पॉजिटिव विल गिव Fe2 पॉजिटिव प्लस सल्फर। दिस इज -2, दिस इज +3, दिस इज +2, दिस इज 0। -2 से 0 पे जा रहा है, व्हाट इज दिस, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन? दिस इज ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन इज बाय 2, ऑक्सीडेशन बाय 2। ऑक्सीडेशन बाय 2, हाउ मेनी सल्फर आर ऑन लेफ्ट हैंड साइड? हॉरिबल। How many sulfurs are on left hand side? 1 multiply by 1. You can see here, I will change the color. How many sulfurs? It's 1 sulfur. If you don't multiply, there are certain questions which you will never solve. Nahi honge. What is the change in oxidation number of Fe? +3 se kis mein ja raha hai? कितने का फर्क है? 1। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन? रिडक्शन बाय 1। हाउ मेनी Fe आर देयर ऑन लेफ्ट हैंड साइड? आप बताइए, ऑक्सीडेशन 2 से हो रही है, रिडक्शन 1 से हो रही है, बैलेंस करने के लिए क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो H2S को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। डू नॉट मल्टीप्लाई ऑन राइट हैंड साइड। हाउ मेनी सल्फर आर ऑन लेफ्ट हैंड साइड? नाउ राइट 1 है। हाउ मेनी Fe ऑन द लेफ्ट साइड? सॉरी, हमें सल्फर के आगे 1 लिखना था तो हमने सल्फर के आगे 1 लिख दिया। हाउ मेनी Fe ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? We'll write 2 here. Everything is balanced except oxygen and hydrogen. पहले बारी किसकी है? कितने ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे हैं? तो राइट पे तो बैलेंस है। अब बारी आ गई हाइड्रोजन की, कितने हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे हैं? 2। कितने राइट पे होने चाहिए? 2। We'll write 2H positive. अगर ये हमारा करेक्ट है, अगर ये हमारा क्वेश्चन करेक्ट है तो क्या होना चाहिए? लेफ्ट साइड का चार्ज किसके बराबर होना चाहिए? हाउ मेनी
व्हाट इज द चार्ज ऑन H2S? जीरो. इफ यू वे मल्टीप्लाई 2 बाय 3 इट बिकम व्हाट? 6. 2 इंटू 2 4 प्लस 2 क्या आ गया? 6 इज इक्वल टू 6. सर ये जो लाइन के नीचे कोई पार्ट किया गया है स्कूल वाले टीचर को ना भी ना ही दिखाए तो अच्छा है, दिखा देंगे तो नुकसान भी नहीं, पर मोस्ट ऑफ द स्कूल टीचर्स को ये चीज नहीं क्लियर. ये आप पेपर में बैठे बैठे जान लेंगे कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है. बोलिए कोई डाउट है? अगर आपको ये क्वेश्चन पहले से ही आता है या अब आ गया, इसको अपने आप करिए, इसको अपने आप करिए, करिए सॉल्व. असाइनमेंट का 9th क्वेश्चन है. इट इज बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आई नेगेटिव, आई मतलब आयोडीन, प्लस आईओ 3-1 नेगेटिव विल गिव आई 2. दिस इज द वन. हमें क्या नहीं लिखना? हाइड्रोजन वाटर एच पॉजिटिव तो लिखने नहीं है, तो हमने नहीं लिखे. आई नेगेटिव में लिखना नहीं. अब सर देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन. आई नेगेटिव में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सर? जसमीत जी -1. आईओ 3-1 नेगेटिव में मेलविन जी बताएंगे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है. मेलविन जी 5. वेरी गुड. एक्स प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1. एक्स इज इक्वल टू 5. क्लियर? अब आ रही आगे आई टू. आई टू में ऑक्सीडेशन नंबर मुझे हरसिमरन जी बताएंगे. हरसिमरन जी आई टू में हमने इसका एक्स मान लिया. यस 2x is equal to 0, x is equal to 0. 2x is equal to 0, x is equal to 0. Clear? Good out? Okay. अब सुनिए ध्यान से. I negative plus IO3 1 negative will give I2. मैं कलर चेंज कर लेता हूं. ये है 0, ये है 5, सॉरी सॉरी 0 नहीं है वो -1 है. -1 प्लस 5 0. दिस द वन. इसमें आयोडीन की क्या हो रही है? रिडक्शन की ऑक्सीडेशन. इधर आयोडीन की क्या हो रही है? इधर हो रही है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन बाय 1. और यहां पे आयोडीन की क्या हो रही है? रिडक्शन बाय 5. पहले बताइए क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? क्यों इस इक्वेशन में रिडक्शन भी हो रही है और टीचर आपको इजी क्वेश्चन अगर डालेगा एक इक्वेशन दे देगा, इज इट अ रिडॉक्स इक्वेशन? आप सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालेंगे और चेक करेंगे रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. दूसरा, इस इक्वेशन में ध्यान से नोट करिएगा, इस इक्वेशन में आयोडीन की ही रिडक्शन हो रही है और आयोडीन की ही जब एक ही इक्वेशन में सेम एलिमेंट की या सेम कंपाउंड की ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए. ध्यान से, या तो सेम एलिमेंट या सेम कंपाउंड की ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, उसे डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन कहते हैं. क्या बोलते हैं?
दिस प्रोपोर्शनेट रिएक्शन. हिंदी में बोल रहा हूं, देखिए समझ आता है, उसके बाद इंग्लिश में भी बोल दूंगा. जब सेम एलिमेंट की या सेम कंपाउंड की रिडक्शन भी हो जाए और ऑक्सीडेशन भी हो जाए इन द सेम रिएक्शन, इट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन. मैं एक एग्जांपल और देता हूं, जल्दी नहीं करनी, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये. ट्वाइस ऑफ कॉपर पॉजिटिव विल गिव कॉपर टू पॉजिटिव प्लस कॉपर. इधर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कॉपर का? प्लस वन. इधर प्लस टू. इधर जीरो. ये कॉपर की क्या हो रही है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन बाय वन. इधर कॉपर की क्या हो रही है? रिडक्शन बाय वन. रिडक्शन बाय वन. अगर आप ध्यान से देखें तो कॉपर की ही रिडक्शन हो रही है और कॉपर की ही ऑक्सीडेशन हो रही है. तो ये रेडॉक्स रिएक्शन तो है, पर ये रेडॉक्स रिएक्शन का भी स्पेशल केस है. इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन. इट इज अ, एक और दिखा रहा हूं, एच थ्री पी ओ थ्री विल गिव पी एच थ्री प्लस एच थ्री पी ओ फोर. H3PO3 में अगर आप बैलेंस ना कर रहे हैं तो इसको हटा दें. H3PO3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? निकालो, ओरल निकालो, कितना आएगा? प्लस थ्री. यस, प्लस थ्री, बिल्कुल करेक्ट है. PH3 में माइनस थ्री. H3PO4 में नो. प्लस फाइव. प्लस फाइव. अब ये क्या हो रही है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? इट्स रिडक्शन बाय सिक्स. आई चेंज द कलर. ये क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन बाय टू. रिडक्शन किसकी हुई है? फास्फोरस की. ऑक्सीडेशन किसकी हुई है? क्या ये रिडॉक्स है? सर घबराइए मत, जितना आंसर देंगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा. हां ना सर, दोबारा करा दीजिए, बोलिए. रिडक्शन किसकी हो रही है? ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? क्या ये रिडॉक्स है? क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है? क्यों? यस सर, सेम एलिमेंट की रिडक्शन भी हो रही है और आप इसको एलिमेंट की तरह भी देख सकते हो, आप इसको मॉलिक्यूल की तरह भी देख सकते हो. तो इट इज, ये देखने का नजर ही है. कुछ कहेंगे कि H3PO3 पूरे मॉलिक्यूल की रिडक्शन हो रही है, पूरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो रही है, कुछ फास्फोरस की बात करेंगे. दोनों करेक्ट हैं. ये नजरिया है, आपका नजरिया है. क्या आपको डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन समझ आया है? यस सर, बड़ी मेहनत लगती है और जो चीज पढ़ा देंगे वो एग्जाम में आएगी, पहले बता रहा हूं. अब ऑब्जेक्टिव में कैसे देगा? चार इक्वेशन लिख देगा, चार इक्वेशंस लिख देगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन? ओ भैया, लोगों को रिडॉक्स नहीं पता, उसका भी एडवांस क्वेश्चन आ गया क्या? डिस्प्रोपोर्शनेट, बच्चे फंस जाएंगे. ऐसे ही पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एवरी रिडॉक्स रिएक्शन इज अ डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन. एवरी डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी? Every disproportionate reaction is a, but every redox reaction is not a. Subjective होगा तो y लगा देगा. सर subjective होगा तो क्या लिख देगा साथ में? y. और
तीन नंबर का बनाना है तो आगे क्या लिख देगा, डिफाइंड डिस्प्रोपोर्शनल अट्रैक्शन। गिव एग्जांपल सर, टीचर का एक्सपीरियंस आपकी एज से ज्यादा है, उसकी चिंता मत लो कि ऑब्जेक्टिव पेपर बनाएगा हम कर लेंगे। अगर वो सोच के आया है कि तुम्हें नहीं करने देना तो वो नहीं करने देगा। हाँ, पर दूध और मलाई को अलग करना होता है। टीचर की ड्यूटी है दूध को अलग करिए और मलाई को अलग करिए। 10th में सभी मलाई बने हुए थे, 11th में अलग होगी। अब दूध कौन है और मलाई कौन है? फिर IIT मलाई में से मक्खन को अलग करेगी, फिर दूध बाहर निकालेगी। फिर MBA मक्खन में से घी निकालेगी, फिर तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। बात समझ आ रही है? अब तुम शो करोगे तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है। तो इसलिए जो टीचर कहता है इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान से, और जो टीचर बोलेगा अनइम्पॉर्टेंट है उसको पता है पेपर में क्या नहीं आना, क्योंकि वो हर साल कितने पेपर एक साथ देखता है। बोलिए, बात समझ आई है? बड़ा बड़ा नीचे नोट लिखो, नोट नीचे कहीं भी अलग से जहां तुम्हें टीचर रिवाइज करते हुए दिख जाए, नोट। When a same element is oxidized, when a same element slash compound is oxidized as well as reduce during the same chemical equation is called disproportionate reaction. रवनीत जी कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, एक और नोट लिखिए। कैन यू प्लीज रिपीट? मैं रिपीट कर रहा हूं, इसी स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से। When a same element slash compound is oxidized as well as reduce in the same chemical reaction is called disproportionate reaction. Clear? Pakka? कोई डाउट? नो सर। ये तीन एग्जांपल्स मैंने आपके आगे रखे हुए हैं। एक नोट और लिखना था सच, पहले एक नोट और लिख लीजिए कि एग्जांपल नोट करेंगे। एग्जांपल नोट करो पहले, फिर एक नोट और लिखवाएंगे। ये तीन एग्जांपल मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जाम्पल। तीन एग्जाम्पल्स हैं नोट के। कर लिया नोट? करो करो नोट करो।
हाँ जी हो गया ओके। अब नीचे लिखो, एक और नोट लिखो, एवरी डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, एवरी डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, एवरी डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, बट every redox reaction is not a disproportionate reaction, is not a redox reaction. Clear hai sabko? Yes. Okay. अब मैं आपको बैलेंसिंग करने सिखा रहा हूं। अगर मान लीजिए आप फंसेंगे कब, जब टीचर आपको डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन दे देगा, ये आपके आगे क्वेश्चन आ गया। अब आयोडीन की रिडक्शन हो रही है, आयोडीन की ही ऑक्सीडेशन हो रही है, तो लेफ्ट साइड पे आयोडीन कितनी बार दिया हुआ है, दो बार, कितनी बार दिया हुआ है, दो बार। तो जो चीज लेफ्ट साइड पे दो बार है उसे राइट साइड पे भी दो बार लिख लीजिए, आई नेगेटिव प्लस आई ओ थ्री वन नेगेटिव विल गिव आई टू प्लस आई टू, एक बार रिडक्शन के लिए और एक बार सो दैट आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाए। आई नेगेटिव माइनस वन था, कितना था माइनस वन, किस में जा रहा है, जीरो में, कितने का फर्क है, ये रिडक्शन है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बाय वन इनटू वन। हाँ जी, यहां पे आईओ थ्री वन नेगेटिव प्लस फाइव, ये जीरो, कितने का फर्क है, फाइव, दिस इज रिडक्शन बाय, कितने आयोडीन हैं, इंटू वन इंटू, अब बराबर करने हैं, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, वन वाले को फाइव से, फाइव वाले को, ध्यान से, आई नेगेटिव वाले को फाइव से करना पड़ेगा, ये सुनो, कलर चेंज करके बताऊं, ये देखो फाइव अगर यहां लिखोगे तो कौन से वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, आई नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज ओनली फॉर लेफ्ट हैंड साइड, तो आई नेगेटिव को फाइव से, इसको कौन सा, फिर से देखिए, आई ओ थ्री, आई ओ थ्री वन नेगेटिव, ये वन से विल गिव I2 and I2, ठीक है। अब बताइए, ये तो हमने जान के अलग किया था कि हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन निकाल पाए, आप बताइए लेफ्ट साइड पे कितने आयोडीन हैं, लेफ्ट साइड पे आयोडीन कितने हैं, सिक्स, तो राइट साइड पे सिक्स कर देते हैं, थ्री इंटू टू सिक्स, आयोडीन बैलेंस हो गया, यस और नो, सब कुछ बैलेंस हो गया एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड पारी, किसकी, कितने ऑक्सीजन, किस साइड, तो उतने ही वाटर राइट साइड, क्या बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन, बारी किसकी, कितने हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे, जीरो, राइट साइड पे, तो क्या करें, सिक्स एच पॉजिटिव ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ये सुनो, अब पता नहीं करेक्ट है कि नहीं, चेक करने का तरीका क्या है,
चेक करने का तरीका क्या है? लेफ्ट साइड का चार्ज किसके बराबर होना चाहिए? करो 5 × -1 क्या होगा? -5. 1 × -1 6 × 1 is equal. 3 × 0 बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट। क्या नहीं समझ आया सर? हाँ जी बिटिया। सर ऊपर जहाँ पे हमने रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पे 5 × 1 एंड 1 × 1 लिखा है, वहाँ पे 5 × 2 एंड 1 × 2 क्यों नहीं है? क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 आयोडीन है ना। लेफ्ट बिटिया का एक क्वेश्चन है, सारे सुनिए। बिटिया ये बोल रहे हैं कि एक सेकंड बेटा, बिटिया ये बोल रहे हैं यहाँ, प्लीज डोंट राइट इट। बिटिया कह रहे हैं कि यहाँ हमने 1 × 1 किया है, यहाँ हमने 1 × 2 क्यों नहीं किया जबकि आयोडीन 2 हैं लेफ्ट साइड पे। बेटा ये बताइए ऑक्सीडेशन वाले आयोडीन कितने हैं लेफ्ट साइड पे? 1 × 1 इसलिए 1 ले लिया। रिडक्शन वाले आयोडीन लेफ्ट साइड पे कितने हैं? 1 इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन हमें मिल गई, बराबर करने के लिए क्या करें? बराबर करने के लिए क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई, वो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बताइए क्या नहीं समझ आया? क्या केमिस्ट्री एक आसान सब्जेक्ट है या नहीं है? अगम जी कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए अगम जी। तभी तो डिस्प्रोपोर्शनेट है सर, नया क्वेश्चन आया तभी तो आप कर नहीं पाए, तभी तो हमने नई चीज सिखाई। क्या कि कभी भी ऐसा हो जाए तो क्या करना है? रिडक्शन ऑक्सीडेशन दो चीजें हैं, तो वो चीज दो बार लिखी जानी चाहिए। आप इसको नोट करिए, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। अब हम करने लगे हैं सेकंड पार्ट, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन बेसिक मीडियम। इन बेसिक मीडियम क्या करने लगे? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन बेसिक मीडियम। ओके, अब मेरी बात सुनिए। जो इक्वेशन एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो सकती है वो बेसिक मीडियम में भी बैलेंस हो सकती है। जो इक्वेशन एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो सकती है वो बेसिक मीडियम में भी बैलेंस हो सकती है। रिजल्ट में थोड़ा सा फर्क होगा, पर चार्ज लेफ्ट साइड का राइट साइड का बराबर आए। ओके, सिर्फ एक स्टेप का फर्क है, लास्ट स्टेप का। किसका? तो मैं आपको कोई भी एक एसिडिक मीडियम की एक इक्वेशन लेता हूं, उसको मैं आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करके दिखाता हूं। आपको कैसे पता चलेगा वो करेक्ट है कि रॉन्ग है? लेफ्ट साइड का चार्ज किसके बराबर आ जाएगा? राइट। अब फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 ले लें, यस, या 16 ले लेते हैं। हमारा फोकस बेसिक मीडियम को सीखना है और कुछ नहीं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का 16th क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं और उसको किस में बैलेंस कर रहा हूं? बेसिक मीडियम। पुट योर पेन डाउन, जस्ट सी द क्वेश्चन। बेसिक मीडियम SN प्लस NO3 1 नेगेटिव विल गिव SNO3 2 negative plus NO2। चेक कर लीजिए क्वेश्चन करेक्ट है। अपनी इक्वेशन को दो बार पढ़ा करो, मिलाया करो, क्वेश्चन गलत उतारोगे तो सारा गलत हो जाएगा।
चेक कर लो क्वेश्चन करेक्ट है. SN प्लस NO3 वन नेगेटिव विल गिव SNO3 टू नेगेटिव एंड देन NO2. वाटर एंड H पॉजिटिव तो लिखना नहीं. अब ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4 दस वन यस और नो के निकाल के दिखाऊं. आ गया ओके. अब SN जो है क्या हो रहा है, इसको ऑक्सीडाइज हो रहा है क्या, रिड्यूस हो रहा है. ऑक्सीडाइज हो रहा है कितने से हो रहा है, पुट योर पेन डाउन. ऑक्सीडाइज बाय सारे क्वेश्चन तुम नहीं करने हैं, मैंने तो एक ही बताना है. सबका ध्यान बोर्ड की तरफ हो, सबको दिख रहा है ओके. नाइट्रोजन प्लस 5 टू प्लस 4. नाइट्रोजन प्लस 5 टू प्लस 4 क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है. कितने से रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन बाय 1. अब बताइए लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन कितने हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 1. लेफ्ट साइड पे SN कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय 1. अब रिडक्शन हो रही है 1 से, ऑक्सीडेशन हो रही है 4 से, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो मैंने 1 मल्टीप्लाई बाय SN, 4 मल्टीप्लाई बाय NO3 वन नेगेटिव विल गिव SNO3 टू नेगेटिव प्लस NO2. चाहे आपको दिख रहा हो लेफ्ट राइट, पर जस्ट वेट, जल्द नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी. अब देखो SN लेफ्ट साइड पे कितने हैं, तो 1 लिख दिए. लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन कितने हैं, तो 4 लिख दिए. सब कुछ बैलेंस हो गया एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड लेफ्ट साइड पे कितने ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड पे कितने ऑक्सीजन है, तो मैंने 12 वाटर लिख दी. 12 वाटर. यहां तक आपको कोई भी फर्क लगा, कोई फर्क लगा, क्या फर्क लगा बताओ. सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया. लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन कितने, राइट साइड पे ऑक्सीजन कितने, कितने कम हैं, किस तरफ कम है, तो राइट साइड 4 वाटर, राइट साइड 4. ऑक्सीजन बैलेंस हो गया. पहले बताइए ऑक्सीजन बैलेंसिंग तक कोई भी फर्क हो, बोलिए सर. सॉरी 11 है, मैंने आपकी बात पे विश्वास कर लिया. लेफ्ट साइड पे कितने ऑक्सीजन हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दें, 12. राइट साइड पे कितने हैं, 3 ये हैं, कलर चेंज कर देते हैं, 3 ये हैं एंड 8 ये, कितने हैं, 11. कितने कम हैं, तो 1 वाटर आ जाएंगे. अब बताइए करेक्ट है, यस और नो. अब बताइए आपका कोई भी स्टेप में फर्क है अभी तक, सब सब कुछ बैलेंस हो चुका है टिल ऑक्सीजन, एक रह गया क्या, बस उस स्टेप में फर्क है. लेफ्ट साइड पे कितने हाइड्रोजन है, राइट साइड पे, अब ध्यान से, कितने हाइड्रोजन कम हैं,
किस साइड? लेफ्ट साइड पे दो हाइड्रोजन कम है। ध्यान से सुनिएगा, जितने हाइड्रोजन कम हैं उतने वाटर, उतने वाटर, और उसके ऑपोजिट साइड उतने ही OH नेगेटिव। जिस तरफ हाइड्रोजन, हिंदी आती है, हिंदी, ध्यान से वर्ड्स को समझिए, जितने ऑक्सीजन कम हैं उतने ही वाटर, आधे वाटर नहीं, उतने ही वाटर। कितने हाइड्रोजन कम थे तो मैंने एक वाटर नहीं लिखा, मैंने कितने लिखे, दो वाटर। जितने ऑक्सीजन कम हैं, सर जितने हाइड्रोजन कम हैं उतने ही वाटर, उसके ऑपोजिट साइड उतने ही, अब बैलेंस हो गया। वाटर आपको दोनों साइड दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, सेपरेट कर देंगे, एड दिस, क्या बनेगा, 1SN प्लस 4NO3 वन नेगेटिव, लेफ्ट साइड टू वाटर है, राइट साइड वन है, कैंसिल होके कितना रह जाएगा, 1SNO। सर माइनस करना आता है कि नहीं? नहीं आता तो दोनों तरफ लिख के छोड़ दो, SNO3 टू नेगेटिव प्लस 4 वाटर, सॉरी 4NO2 and 4 OH negative. NO2 plus twice of OH negative. Is the thing clear? If this answer is correct, then left side charge should be equal to, what is the charge on left hand side? 4 negative. What is the charge on right hand side? बराबर है, उस समझ आया है क्या फर्क है? ऑक्सीजन तक सेम है, ऑक्सीजन तक, लास्ट स्टेप जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे वहां पे क्या करना है, जिस तरफ हाइड्रोजन कम होंगे उस तरफ उतने ही, उसकी ऑपोजिट साइड उतने ही। बोलिए समझ आया है कि मुर्गा मुर्गा जान से गया है और खाने वाले पे स्वाद नहीं आया है? मुर्गा गया, मुर्गा तो गया, स्वाद आना चाहिए बस। बोलिए स्वाद आया पक्का? सर कॉन्फिडेंस, जब मैं कराऊंगा तो समझ आएगा, जब आप करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। आप ये बताइए समझ आया कि नहीं आया? Yes. कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमारे पास बड़े क्वेश्चन है, हम प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर है? चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, फिर अगर आपके कोई डाउट होंगे तो मैं उसका आंसर भी दूंगा। मान लीजिए बैलेंसिंग करते हुए इस तरफ एक हाइड्रोजन ज्यादा है, किस तरफ एक हाइड्रोजन कम है, तो मैं लिखूंगा 1 वाटर और दूसरी साइड 1। अब देखो, जब मैंने एक साइड वाटर लिखा, एक साइड OH नेगेटिव लिखा, चार्ज को छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन दोनों तरफ आ गया, क्या ऑक्सीजन अनबैलेंस होगा? नहीं। राइट साइड कितने हाइड्रोजन लिखे, 2। लेफ्ट साइड कितने लिखे, राइट साइड कितने लिखे, 2। लेफ्ट साइड कितने लिखे, 1। जब एक साइड एक वाटर लिखते हो, दूसरी साइड OH नेगेटिव लिखते हो, तो हाइड्रोजन ही ऐड होता है। नहीं समझ आया मेरी बात? आराम से रिलैक्स, हमने अज्यूम किया कि हम बैलेंसिंग कर रहे हैं, लेफ्ट साइड एक हाइड्रोजन कम है, सॉरी लेफ्ट साइड एक हाइड्रोजन ज्यादा है, तो आप बताइए हाइड्रोजन किस तरफ कम है, राइट साइड कम है, तो मैंने 1 वाटर लिख दिया, 1 OH नेगेटिव लिख दिया।
अब मुझे बताओ लास्ट स्टेप में जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको लेफ्ट साइड पे कितने ऑक्सीजन ऐड हुए हैं? वन. राइट साइड पे भी कितने हुए हैं? ऑक्सीजन तो अनबैलेंस होंगे नहीं. मैंने राइट साइड कितने हाइड्रोजन लिखे हैं? टू. वाटर में दो होते हैं ना, OH नेगेटिव में कितने होते हैं? वन. तो कितने एक्स्ट्रा आए? कितने एक्स्ट्रा आए? बोलो ये आए कि नहीं आए? नहीं समझाया. एक और मान लो, फिर देखो सर, इफ योर बेसिक्स आर स्ट्रॉन्ग यू कैन सॉल्व मोर क्वेश्चन. मान लो इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं, इक्वेशन बैलेंस करते हुए पांच हाइड्रोजन इधर ज्यादा आ गए हैं, तो व्हाट इज द प्रोसीजर, क्या करेंगे? 5H2O किस साइड लिखेंगे? लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड. और इधर क्या लिखेंगे? 5OH. अब देखो, अब जब ये मैंने 5 वाटर एंड 5OH नेगेटिव ऐड किए, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन कितने ऐड हुए हैं? 5. राइट साइड पे क्या ऑक्सीजन अनबैलेंस हो रहे हैं? नो. नो सर. लेफ्ट साइड पे कितने हाइड्रोजन ऐड हुए हैं? 10. लेफ्ट साइड. राइट साइड पे कितने हुए हैं? फर्क कितने का रहा? 5. समझ आया है? बोलो समझ आया है कि नहीं? हर्ष जी सर, ध्यान कहीं और है, प्लीज 2 मिनट खड़े हो जाएंगे. खड़ा होना पनिशमेंट नहीं है, जस्ट टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन लेवल. हर्ष जी कह रहे हैं एक बार द्वारा करा दीजिए. मैं द्वारा करा रहा हूं एक बार. सर बैलेंसिंग की बड़ी सी इक्वेशन है, इधर 3 हाइड्रोजन ज्यादा है. अब मुझे बताइए किस तरफ हाइड्रोजन ज्यादा है, कितने ज्यादा हैं? 3. तो क्या करें? 3 वाटर ऐड करने. किस साइड? राइट साइड वाटर. फिर खत्म. और क्या करना है? 3 OH भी ऐड करने हैं लेफ्ट साइड. मुझे बताइए, ये आंसर एक बैलेंस हो गया, खत्म हो गया. हम चेक कर रहे हैं, मैंने लेफ्ट साइड कितने ऑक्सीजन लिखे अभी, राइट साइड भी कितने लिखे, क्या ऑक्सीजन अनबैलेंस हुआ? हमने राइट साइड कितने हाइड्रोजन लिखे? 6. कितने लिखे? लेफ्ट साइड कितने लिखे? कितने का फर्क पड़ा? 3 का. सर 3 का फर्क पड़ा तो बैलेंस हो गया ना. यहां तो 3 पहले ही ज्यादा थे ये वाले. ये हमने इस सारे कंसेप्ट में क्या किया, 3 किस तरह बढ़ा लिए, तो बराबर हो जाएंगे. वो समझ आया है? यस. चलिए एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आप मेरे साथ साथ करेंगे, कोई बात नहीं, बैठ जाइए. इधर देखिए, कोई भी ऊपर से ले लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है. ओके, हम ले रहे हैं सर 17th क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पार्ट. इधर देखिए सर, आप ही करेंगे मेरे साथ. इधर बोर्ड पे AS प्लस NO3 1 नेगेटिव विल गिव AsO4 3 नेगेटिव प्लस NO2. इधर देखिए सारे, ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 4 यही है. AS की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1. हाँ जी. और नाइट्रोजन की क्या हो रही है? रिडक्शन बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय एक बार चेक कर लें. 0 to 5 ठीक है, प्लस 5 to प्लस 4 1. एनी डाउट सर?
एनी डाउट सर? यस और नो? ओके, बराबर करने के लिए क्या करें? बराबर करने के लिए क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया, हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 5 से मिल गए AsO4 नेगेटिव प्लस NO2। यहां तक ठीक है? लेफ्ट साइड पे कितने As हैं? लेफ्ट साइड पे कितने As हैं? 1। नाइट्रोजन कितने हैं? 5। बारी किसकी है? पहले किसको बैलेंस करना होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को। कौन बताएगा कितने ऑक्सीजन है? कितने ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड पे? 15। राइट पे कितने हैं? 14। कितने कम है? 1 हाइड्रोजन कम है। किस साइड पे? राइट पे कम है, तो 1 वाटर लिख दें। मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ये आपको समझ आया है? सर लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे कितने, लेफ्ट साइड पे कितने ऑक्सीजन है? 15। किसी को डाउट है सर इस 15 पे? राइट पे कितने थे? वाटर, वाटर को काउंट मत करिए, 14। तो मैंने 1 वाटर लिख दिया, बैलेंस हो गया। बारी किसकी है अब? बारी किसकी है? हाइड्रोजन की। लेफ्ट साइड कितने हाइड्रोजन है? 0। राइट साइड पे तो क्या करें? कितने हाइड्रोजन का फर्क है? 2। किस तरफ 2 हाइड्रोजन कम है? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। तो मैंने लेफ्ट साइड पे 2 वाटर लिखे, राइट साइड पे 2 OH नेगेटिव। इफ दिस इज अ करेक्ट आंसर, पहले तो इसको ऐड कर लो बेटा। अगर तो वाटर वाटर हैंडल करने आते हैं तो कर लेना, नहीं तो दोनों तरफ लिखे रहने दो। मान लो तुम्हें माइनस करना नहीं समझ आ रहा, एक साइड 2 है दूसरी तरफ 1 है, तो किस तरफ रह जाएगा? लेफ्ट की तरफ रहेगा कि राइट की तरफ रहेगा? अगर मान लो ये समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या करिए आप, नहीं तो आप दोनों तरफ ही लिखे रहने दीजिए। AsO4 नेगेटिव प्लस 5 वाटर प्लस ये तो वाटर तो आगे, सॉरी 5 NO2 5 NO2, ये वाटर तो खत्म हो गया। इफ दिस इज अ करेक्ट आंसर देन व्हाट? OH नेगेटिव आएगा। इफ दिस इज करेक्ट देन लेफ्ट साइड चार्ज शुड बी इक्वल टू, करो कितना चार्ज है? -5 एंड हियर -3 एंड -2 आ रहा है। इज इट टफ? बेसिक मीडियम के सारे क्वेश्चन ट्राई कराओगे? सर अगर मुझे असाइनमेंट दिखा देते हो तो मैं बता दूंगा कौन सा नहीं निकलने वाला, पहले बता दूंगा। मैं आपको बता देता हूं जो जो आपसे नहीं निकलेंगे, अगर आप निकाल सके तो आपकी हिम्मत है। फर्स्ट क्वेश्चन मार्क निकाल लो, लगा लो, निकाल दोगे तो बड़ी अच्छी बात है। जहां पे आपको मुश्किल आएगी मैं उसको मार्क कर रहा हूं, फर्स्ट थर्ड फोर्थ एट्थ, इनमें आपको मुश्किल आ सकती है। इसमें ध्यान रख लेना जो अच्छी चीज बता रहा हूं, H2O2 में हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -1 होता है, फंस जाओगे निकलेगा नहीं। ऑक्सीजन को क्या लेके चलना, और यहां पे ऑक्सीजन से जब बैलेंस करने जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। कोई बात नहीं, इसके अलावा जितने निकाल सको निकाल लेना, ये वाले क्वेश्चन मैं आपको क्लास में निकलवा के दिखाऊंगा। क्लियर है?
अगली क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, सब आएंगे। और कल 7:15 पे इवनिंग में क्या है, केमिकल बॉन्डिंग न्यूली स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। कोई ऐसा है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती तो मुझे आज ही कॉन्टेक्ट करें, 1s2 2s2 2p6 ये चीज आनी चाहिए। इज द थिंग ओके? फिनिश।